हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर। दोस्तों, मैं आज आपको आपके आगामी DMRC के पेपर को देखते हुए मैं इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट के लिए मैं टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं डेली कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता रहूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आगे भी आपको अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ इस हमारे कॉन्सेप्ट मस्ती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स का को लाभ मिल सके। तो आइए, देर न करते हुए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यदि किसी ट्रांसफार्मर की आयरन लॉसेज 900 वाट है तथा कॉपर लॉसेज 600 वाट है, तो ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता पर कुल लॉसेज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हमेशा बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, पूछ रहा है कि अधिकतम दक्षता पर कुल लॉसेज ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम दक्षता पर जो लॉसेज होती है, हमारी कॉपर लॉसेज और आयरन लॉसेज बराबर होती है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों लॉसेज बराबर नहीं है। एक कॉपर लॉसेज 600 वाट है और आयरन लॉसेज 900 वाट है। तो हम आयरन लॉसेज हमारी जो क्या होती है, फिक्स होती है, तो हम आयरन लॉसेज को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कॉपर लॉसेज वेरिएबल होती है, तो कॉपर लॉसेज को चेंज कर सकते हैं। तो हमको बराबर चाहिए, तो कॉपर लॉसेज को भी किसके बराबर करना पड़ेगा, आयरन लॉसेज के। तो कॉपर लॉसेज हमारी 900 वाट हो जाएगी और आयरन लॉसेज 900 वाट ऑलरेडी है। तो टोटल लॉसेज कितना हो जाएगी, 900 यहाँ पर प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 वाट। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, 1800 वाट। अब इसको अगर शॉर्टकट कोई मेथड करना चाह रहे हैं, तो अगर सीधे पूछता है ये कंडीशन, अधिकतम दक्षता पर कुल लॉसेस ज्ञात कीजिए, तो हमेशा आयरन लॉसेस का दोगुना कर दीजिए। मतलब आयरन लॉसेस क्या है, 2 PI कर दीजिए, हमेशा आपका आंसर निकल जाएगा। अगर आयरन लॉसेस 900 वाट है, तो आपका टोटल लॉसेस कितना हो जाएगा, 1800 वाट हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल, पहला ऑप्शन है नमी को सोखता है, ब्रीदर में रखा जाता है, शुष्क अवस्था में नीले रंग का होता है। तो ब्रीदर का काम ही है, जो एयर प्रवेश करती है ट्रांसफार्मर में उसको सोखता है। और इसको कहाँ रखा जाता है, ब्रीदर में रखा जाता है। ये आपका कंजर्वेटर है। अगर यहाँ पर हम कंजर्वेटर बनाते हैं, तो आपका ये कंजर्वेटर है, इसी से ये ब्रीदर जुड़ा होता है और ये आपका मेन टैंक होता है यहाँ पे। तो इसी में सिलिका जेल भरी जाती है और ये यहाँ से जो वायु प्रवेश करती है उसके नमी क्या करती है, सोखती है। और ये शुष्क अवस्था में नीले रंग की होती है। तो शुष्क अवस्था में किस रंग की होती है, नीले रंग की। तो ये भी सही है। और ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि ये नमी सोखने के बाद किस रंग की हो जाती है, अर्थात ख़राब होने के बाद। तो ख़राब होने के बाद सिलिका जेल का रंग हो जाता है पिंक हो जाता है, पिंक मतलब गुलाबी। तो आपका यहाँ पर चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो मतलब कि डी, ये सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर जोड़े जा सकते हैं, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर हमेशा पैरेलल में जुड़ जाते हैं, इनको सीरीज में कभी भी नहीं जोड़ा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DC मशीन में वाइंडिंग में दिक् परिवर्तन खंडों की संख्या इतनी होती है जितनी, तो देखिए दिक् परिवर्तन मतलब कम्यूटेटर सेगमेंट, ये होता है आपका कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर है तो ये आपके सेगमेंट है। तो एक कम्यूटेटर सेगमेंट से आर्मेचर की एक कॉइल जुड़ी होती है। तो जितनी आर्मेचर की कॉइल की संख्या होती है, उतने ही कम्यूटेटर के सेगमेंट होते हैं। तो अब कम्यूटेटर की संख्या हो जाएगी दिक् परिवर्तन, मतलब कम्यूटेटर पूछ रहा है। तो दिक् परिवर्तन के खंडों की संख्या मतलब कम्यूटेटर के जो सेगमेंट है उसकी संख्या किसके बराबर होती है, आर्मेचर की कॉइल की संख्या के बराबर। मतलब जितने आर्मेचर की कॉइल की संख्या होती है, उतने ही क्या होंगे, आपके कम्यूटेटर के सेगमेंट की संख्या होगी। अगला पूछ रहा है, DC मशीन में लौ क्षति निम्न के बदलाव पर निर्भर नहीं करती है। तो लौ क्षति मतलब PI, लौ क्षति मतलब पूछ रहा है आपका PI। तो PI क्या होती है, कांस्टेंट लॉसेस होती है। तो ये भार पर डिपेंड नहीं करती है, ये जो लौ क्षति है भार पर डिपेंड नहीं करती है। भार पर डिपेंड आपकी करती है कॉपर लॉसेस। तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, भार। और गति और वोल्टेज पर डिपेंड करती है लौ क्षति, तो इसलिए ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पूछा है कि निर्भर नहीं करती है, तो भार हो जाएगा। भार पे कौन निर्भर करता है, कॉपर लॉसेज डिपेंड करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रत्यावर्तक 3000 RPM पर एक 50 हर्ट्ज आवृत्ति उत्पन्न करता है, तो प्रत्यावर्तक में ध्रुवों की संख्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन
हमेशा पूछे जाते हैं, खास करके आईटीआई वाले स्टूडेंट इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन होता है हमारा। एन एस इक्वल टू होता है 120 एफ अपान पी। तो यहाँ पोल की संख्या पूछ रहा है और एन एस का मान कितना दिया है 3000, तो हम इसको कर लेंगे 3000 बटे में 120 गुणे फ्रिक्वेंसी कितना दिया है 50, इसको 3000 है और ये पूछा है पोल की संख्या। तो आपका हो नहीं ये इसको सॉरी इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा इसको पक्षांतर करने में। इसको ये देखिए पोल की संख्या पूछा है तो पी को इधर करेंगे एन एस को इधर करेंगे तो हमारा 120 ऊपर हो जाएगा, मतलब 120 ऊपर और गुणे 50 और बटे में हो जाएगा आपका 3000। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये और बचा कितना 5 6 के 30 और 6 दुना के 12, तो आपकी पोल की संख्या कितनी हो जाएगी, पोल की संख्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला सही हो जाएगा। तो इसको सिंपल सी बात अगर नहीं समझ में तो इसको पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एन पी इक्वल टू हो जाएगा 120 एफ अपान एन, इस पर रख लीजिए आपका आसानी से निकल जाएगा क्वेश्चन। अगला देखते हैं, प्रेकी प्रतिघात की इकाई होती है। तो दोस्तों प्रेकी प्रतिघात की इकाई आपकी ओम होती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये पूछ रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की इकाई हमेशा क्या होती है ओम। इसी के साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि एक्सी की भी इकाई क्या होती है ओम। एक्सी की, एक्सएल की, एक्स की, जेड की और आर की, तो आप जानते ही हैं कि इसका इकाई क्या होती है ओम। तो एक्सी क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सएल क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जेड क्या है प्रतिबाधा है और एक्स क्या है रिएक्टेंस। तो इस सभी की इकाई क्या होती है ओम होती है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप पूछता है तो सबकी इकाई आपकी क्या मिलेगी ओम होगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में बार बार पूछते रहते हैं। तो अगला देखते हैं, सिंक्रोनस मोटर में 4 पोल 50 हर्ट्ज आवृत्ति सप्लाई प्राप्त करता है तो उसकी घूर्णन काल, या घूर्णन काल नहीं घूर्णन गति होगा आपका, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा। घूर्णन गति, तो घूर्णन गति क्या हो जाएगा आपका ईएन पूछ रहा है। तो 120 या पापा पी, 120 फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 50 हर्ट्ज है और कितना दिया है 4 पोल, तो यहाँ से आपका 4 3 12 30 हो जाएगा, 30 5 15, तो आपका आंसर सी हो जाएगा 1500 RPM। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के उदाहरण। तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल किसे कहा जाता है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल वे होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर बहुत तेज़ी से आकर्षित होते हैं, अर्थात उनको चुंबक बनाना क्या होता है ईजी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं कि डी वाला ऑप्शन सही है, निकिल कोबाल्ट और लोहा को आसानी से चुंबक बना सकते हैं। अगला देखते हैं, एमआई प्रकार के उपकरणों में, एमआई प्रकार के उपकरण स्केल असमान होते हैं, मतलब कि इसके स्केल क्या होते हैं हर जगह बराबर नहीं होते, कहीं दूर पास पास होते हैं तो कहीं दूर दूर होते हैं। पहला सही है, टार्क धारा के समानुपाती होते हैं, अर्थात जो TD होता है डिफ्लेक्शन टार्क आई स्क्वायर के समान, ये भी सही है आई स्क्वायर के समानुपाती होता है। अगला है, इसमें आयरन लॉसेज होता है। तो MI प्रकार का उपकरण जो होता है AC DC दोनों पर होता है, तो जब AC सप्लाई देते हैं तो आयरन लॉसेज होना होना ही है, तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 4 ओम के N प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए यहाँ पर 4 ओम दिया हुआ है लेकिन ऑप्शन में कोई 4 नहीं है, तो ये मिस्टेक है, ये आर ओम आपका है। तो आर ओम के N प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो ये भी क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए और देखिए इसको कैसे लगाते हैं। तो देखिए 4 N प्रतिरोध दिया हुआ है, तो हमारा अगर 2 ओम का पहले निकालते हैं तो 1/R इक्वल टू होता है 1/R1 + 1/R2, मतलब R निकालते हैं तो होता है R1 R2 / R1 + R2, तो समान है क्षमता के, तो आर स्क्वायर हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा 2R, R से R कैंसिल, तो R/2। दो रेजिस्टेंस है तो R/2 आ रहा है, 3 रेजिस्टेंस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा R/3, 4 हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा R/4, तो अगर N रेजिस्टेंस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा R/N, तो आपका आंसर हो जाएगा C। तो
इसी तरह आप कितने भी रहेंगे, 10 रहेंगे तो 8/10 कर लेंगे, और इससे आसानी से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। जैसे दे दिया कि 100 ओम के 1000 रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं, तो 100 ओम के मतलब सभी की क्षमता बराबर है, तो आपका हो जाएगा 100 और कितने और रेजिस्टेंस है 1000, तो 1000 का भाग दीजिए आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कास फाई, कास फाई क्या होता है? तो कास फाई आपका क्या है, पावर फैक्टर है। तो पावर फैक्टर क्या होता है, R/Z, ये भी सही है। R/Z का मान कितना होता है AC सर्किट में, R² + XL - XC2, तो ये भी सही है। कास फाई क्या होता है, एक्टिव, यहाँ पर देखिए P बराबर क्या होता है, VI कास फाई, तो कास फाई बराबर आपका हो जाएगा P/VI, आपका ये है एक्टिव पावर, और VI क्या होता है, P क्या है एक्टिव पावर और VI क्या है अपरेंट पावर, तो आपका यहाँ पर चार तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो आपका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे D नंबर, ऑल ऑफ द एबव, तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा D नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, यहाँ कास फाई का तीनों फार्मूला देते हैं, कभी कभी इन पर न्यूमेरिकली पूछता है। अगला पूछा, यदि किसी डीसी जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज उत्पन्न ईएमएफ से अधिक हो जाए तो वह है। टर्मिनल वोल्टेज मतलब दोस्तों ये आपका डीसी जनरेटर है, कोई भी मान लीजिए शंट जनरेटर ले रहे हैं, तो इसके टर्मिनल पर मतलब लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा आपका जनरेटेड वोल्टेज से, मतलब जो यहाँ पर ईएमएफ फ्लो से अधिक हो जाए, तो यहाँ पर अधिक होने का मतलब क्या, उसे बोलते हैं ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे C नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी डीसी जनरेटर का आंतरिक अभिलक्षण प्राप्त किया जाता है, तो आंतरिक अभिलक्षण पूछ रहा है, तो देखिए दोस्तों पहले हम देखते हैं कि आंतरिक होता क्या है। ये देखिए, ये अगर लोड हमेशा कहाँ जुड़ा होता है, बाहर होता है, और अंदर क्या होती है, आर्मेचर होता है, फील्ड होता है, तो आंतरिक अभिलक्षण से कभी भी टर्मिनल वोल्टेज से मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज प्राप्त होता है उसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो आंतरिक अभिलक्षण में तो पहले बार टर्मिनल वोल्टेज नहीं आएगा और लोड धारा नहीं आएगी, तो आंतरिक अभिलक्षण में क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, उत्पन्न ईएमएफ, और क्या आएगी, फील्ड धारा आ सकती है, और क्या आएगी, आर्मेचर धारा। तो ऑप्शन देखते हैं, उत्पन्न ईएमएफ और फील्ड धारा के बीच, तो यहाँ पर यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 1। कभी भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों आंतरिक क्या है और बाह्य क्या है, तो हमारा लोड क्या है, बाहर लगा होता है, और ये आंतरिक संरचना होती है, यहाँ पर आर्मेचर होता है, फील्ड होता है, तो आर्मेचर में क्या उत्पन्न होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, कभी भी टर्मिनल वोल्टेज तो आ ही नहीं सकता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न चित्र को पहचाने। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बोला कि चित्र किसका है, तो देखिए पहली बात तो ये मोटर नहीं होगा। अब मोटर क्यों नहीं होगा, कि यहाँ पर देखिए लोड लगा हुआ है, और अगर मोटर होता तो यहाँ पर सप्लाई दी जाती है, क्योंकि मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो मोटर में ये क्या है, जनरेटर है। एक तो चीज़ क्लियर होगी कि जनरेटर, तो मोटर वाले जितने भी ऑप्शन हो गए वो क्या हो गए, गलत हो गए। अब बचा जनरेटर, अब बता देखिए डीसी सीरीज जनरेटर, तो ऑप्शन के अनुसार तो डीसी सीरीज जनरेटर कभी हो ही नहीं सकता। डीसी सीरीज जनरेटर में क्या होती है, केवल एक ही वाइंडिंग होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक दो एक वाइंडिंग ये है और एक वाइंडिंग ये है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, C। अब इसको आसानी से पहचान के, शार्ट शंट, अब देखिए ये होता है आपका, ये होता है शंट वाइंडिंग, तो इसको कई तरीके से पहचान सकते हैं, इसकी कई परिभाषा होती है। अगर लोड करंट सीरीज फील्ड से होकर फ्लो तो उसे बोलते हैं शार्ट शंट, और अगर शंट छोटा हो तो देखिए अगर यहाँ पर कोई वाइंडिंग लगाते हैं तो हमको शंट को ऑलरेडी बढ़ाना पड़ता है, तो ये हो जाता है लॉन्ग शंट, लेकिन यहाँ पर कोई वाइंडिंग लगी नहीं है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, शार्ट शंट। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, C वाला ऑप्शन, शार्ट शंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी डीसी मोटर का बल आघूर्ण अधिकतम होता है जब, तो दोस्तों किसी डीसी मोटर का बल आघूर्ण अधिकतम कब होता है, जब थीटा का मान क्या होता है, 90 होता है, मतलब जब कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है, अधिकतम होता है। तो जब थीटा का मान अधिकतम होता है, साइन थीटा का मान कितना होना चाहिए, 1 होता है, तभी क्या होता है, उस पर लगने वाला बल अधिकतम होता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा आपका आंसर D। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य की इकाई। दोस्तों इसको तो आप याद ही कर लीजिए, बार बार पूछता रहता है,
पराबधु समाज की इकाई केवी पर एमएम होती है। किसी पैरामीटर के खनिज तेल वाइंडिंग को ठंडा करता है, कोर को ठंडा करता है, वाइंडिंग को अतिरिक्त इंसुलेशन प्रदान करता है, ये सभी। तो दोस्तों इसमें से चारों आप तीनों ऑप्शन सही है। कोर का जो ट्रांसफार्मर का जो खनिज तेल होता है वाइंडिंग को ठंडा करता है, कोर को भी ठंडा करता है, और वाइंडिंग पर एक तो इसमें इंसुलेशन पहले से रहता है और तेल इंसुलेटर मटेरियल होता है, तेल इंसुलेटर होता है, तो उसको लगाने से उस पर एक क्या हो जाता है, अतिरिक्त इंसुलेशन चढ़ जाता है। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक। तो दोस्तों धातुओं का जितने भी धातु हैं सबका प्रतिरोध ताप का गुणांक क्या होता है, धनात्मक, मतलब अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव। तो धातुओं का प्रतिरोध गुणांक पॉजिटिव होता है, मतलब कि जितने भी चालक हैं सबका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, धनात्मक होता है। और धनात्मक मतलब होता है कि इनका टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो धातुओं का पॉजिटिव होता है। और जो हो गए आपके सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर, इनका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, निगेटिव होता है, अर्थात इनका टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। तो ये भी याद कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन शुष्क सेल में डिपोलाइजर का काम करता है? तो यहाँ पर दोस्तों शुष्क सेल में डिपोलाइजर का काम मैंगनीज डाई ऑक्साइड करती है। लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघटन मिश्रण होता है, तो लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघटन का मिश्रण होता है, पहला आपका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब कि H2SO4+H2O, हम क्या मिलाते हैं, विद्युत अपघटन के रूप में मिलाते हैं, तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और जल। अगला देखते हैं खनिज तेल में, खनिज तेल बोल रहे हैं, अगला 22 नंबर देखिए। निम्नलिखित निम्न में से रिलक्टेंस की इकाई में मापा जाता है, तो रिलक्टेंस क्या होता है आपका, RM, या कहीं कहीं किताब में इसको एच से भी डिनोट करता है, तो रिलक्टेंस होता है Ni/ϕ। तो देखिए Ni मतलब एम्पियर टर्न और ϕ मतलब वेबर, तो एम्पियर टर्न अपान वेबर, तो आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, एम्पियर टर्न अपान वेबर। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से पढ़िए, कभी भी ये क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो अगर रट्टा मार कर करेंगे तो 10 में से 6 क्वेश्चन आप गलत ही कर करेंगे, 4 सही हो जाए तो हो जाए, ना कि 6 क्वेश्चन आप गलत जरूर करेंगे। तो इसको कॉन्सेप्ट से करिए, एक भी क्वेश्चन आपका कभी भी नहीं भूलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, जिस बिंदु पर चुंबक की चुंबक शक्ति अधिक नहीं बढ़ाई जा सके, निम्न से उस बिंदु क्या कहा जाता है? दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई चुंबक है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसको चुंबकित कर रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि इसमें धारा देने पर भी इसकी चुंबक जो सामर्थ्य है वो बढ़ती नहीं है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं, मतलब जितनी इसकी क्षमता थी उतना चुंबक इसमें बन गया, तो जिस पॉइंट के बाद इसमें चुंबक बनना बंद हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट, हिंदी में इसका बोला जाता है संतृप्त बिंदु। क्या बोला जाता है, संतृप्त बिंदु। तो उसके बाद आप कितना भी इसमें धारा फ्लो कराइए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसके बोलते हैं मैग्नेटिक सेचुरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंज के नियम के लिए कौन सा समीकरण सही है? तो देखिए दोस्तों लेंज के नियम, लेंज का नियम यही बोलता है कि किसी कंडक्टर में उत्पन्न ईएमएफ के कारण जो विद्युत धारा होती है वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण उत्पन्न होती है, तो उसके का एक माइनस सिंबल आता है, तो आपका माइनस सिंबल और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, किसमें दिख रहा है, ए वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है शुद्ध प्रेरक परिपथ में। दोस्तों देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुद्ध प्रेरक परिपथ में आपका होता क्या है कि इसमें वोल्टेज लीड करता है धारा से कितने डिग्री, 90 डिग्री। इसमें मैक्सिमम बच्चे सवाल को गलत करके आते हैं, तो देखिए 90 डिग्री लीड करता है कौन, वोल्टेज, लेकिन यहाँ पर जो दिया है पहला ऑप्शन धारा वोल्टेज से 90 डिग्री, तो ये गलत हो गया आपका। अब धारा वोल्टेज से 60 डिग्री, तो शुद्ध प्रेरक है तो 60 डिग्री तो कोई बात ही नहीं होगी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। धारा वोल्टेज के फेज में होती है, ये तो प्योर रजिस्टिव सर्किट में होता है, तो ये भी गलत। तो आपका सही कौन सा आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा। अगर ये ऑप्शन होगा, अगर रहेगा कि वोल्टेज धारा से 90 डिग्री लीड करती है या धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है, तब हम उसको सही मानेंगे, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर डी कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 30 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र श्रेणी में जुड़े हैं तो कुल धारिता होगी। तो दोस्तों जो संधारित्र तो होता है वो रेजिस्टेंस के ठीक अपोजिट जुड़ता है, मतलब रेजिस्टेंस का जो पैरेलल में होता है वही इसका किस में होता है, सीरीज में।
तो अगर रेजिस्टेंस जो होते हैं पैरेलल में समान क्षमता के जुड़े जाएं तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होता है आर इक्विवेलेंट होता है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस आर बटे एन होता है। मतलब कि अगर टोटल रेजिस्टेंस 30 है और बटे में तीन संख्या है तो कितना हो जाएगा 10 ओम। तो ऐसे ही रेजिस्टेंस यहाँ पर कैपेसिटर सीरीज में जुड़ रहे हैं तो उसके रेजिस्टेंस के पैरेलल समान, तो सी टी हो जाएगा आपका सी अपान एन। तो सी कितना है 30/3, तो आपका कितना हो जाएगा 10 माइक्रो फैरड। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 10 माइक्रो फैरड। इसको चाहे तो आप जोड़ भी सकते हैं, इसको सीरीज में दिया है तो सीरीज में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कैपेसिटर को, 1/C=1/C1+1/C2+1/C3। दोस्तों ये भी ध्यान दीजिए कि हमेशा कैपेसिटर क्या होता है रेजिस्टेंस के विपरीत जुड़ता है। जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल जुड़ता है वैसे रेजिस्टेंस कैपेसिटर सीरीज में, जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में होता है वैसे कैपेसिटर पैरेलल में। रेजिस्टेंस और इंडक्टर समान जुड़ता है लेकिन कैपेसिटर हमेशा उल्टा होता है। तो यहाँ पर रखेंगे आप, रखेंगे यहाँ पर वैल्यू 1/30+1/30+1/30। तो देखिए 30 लघुत्तम हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 3, तो 3/30 मतलब 1/ कितना हो जाएगा 10। तो 1/10 किसका मान है 1/C का, तो C का मान कितना हो जाएगा 10 माइक्रो फैरड। तो ये भी कई तरीके से लग सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी चालक में धारा प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा होती है। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो ऊष्मा की मात्रा होती है वो एच इक्वल टू होती है I²RT। एच इक्वल टू कितनी होती है I²RT। तो देखिए सी और ए ऑप्शन मिलता जुलता है लेकिन ये I²RT है, यहाँ पर IR²RT है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन, डीसी मशीन के पोल, डीसी मशीन के लिए शंट प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध का मान होना चाहिए। तो अगर डीसी मशीन पूछ रहा है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये हो गया आर्मेचर और ये हो गया शंट। तो शंट का लगभग कितना है 100 ओम और इसका होता है लगभग 1 ओम। तो हमेशा शंट उच्च होगा और आर्मेचर क्या हो गया निम्न होगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो उच्च और न्यूनतम, यहाँ पर देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च और न्यूनतम, मतलब शंट वाला उच्च और आर्मेचर वाला न्यूनतम। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर में तांबा हानि नियत होती है। तो दोस्तों डीसी मोटर में तांबा हानि नियत होगी आपका शंट वाइंडिंग में, क्योंकि शंट वाइंडिंग में जो धारा होती है वो क्या होती है आपकी कांस्टेंट होती है। लोड बदलने पर इसमें जो धारा होती है बदलती नहीं है, क्योंकि ISH इक्वल टू होता है V/RSH। तो V एक बार दे दिया तो वो भी फिक्स है, RSH फिक्स है, तो ISH भी क्या होता है फिक्स हो जाता है। तो शंट फील्ड वाइंडिंग में जो धारा आर्मेचर कापर, शंट फील्ड वाइंडिंग में जो कापर लॉसेज होता है वो क्या होता है नियत होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय कुंडल के मध्य कितना प्रतिरोध होगा। तो ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीय के बीच जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है इनफाइनाइट, क्योंकि इसके प्राइमरी में अगर ये मान लीजिए कोर है तो प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं होता है, तो इसलिए इसका प्रतिरोध कितना होता है इनफाइनाइट, क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी कैसी व्यवहार करती हैं ओपन सर्किट की बातें। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन बना लीजिए डी नंबर, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कोई ऑप्शन कर लीजिए डी नंबर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इसका इसका इनफाइनाइट प्राथमिक और द्वितीयक कुंडल के बीच मध्य प्रतिरोध कितना होता है इनफाइनाइट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। दोस्तों आज ये मेरा पहला वीडियो था ऑब्जेक्टिव टाइप, अगर ये वीडियो सही से बन जाता है और अगर सब कुछ सही रहता है तो मैं कोशिश करूँगा डेली आपको कम से कम 30 क्वेश्चन या 30 से प्लस ही कोशिश करूँगा आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ। अगर वो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक।